हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए बच्चों, करें अपनी क्लास स्टार्ट। स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हम लोगों ने बात की थी एरर एनालिसिस की, और एरर के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों ने डिस्कस की थी। उम्मीद करते हैं कि वो प्रॉब्लम आप लोगों को समझ आई हों। कुछ बच्चों ने होमवर्क भी हमारे पास में भेजा है। हम अप्रिशिएट करते हैं उन बच्चों के एफर्ट्स को जो अच्छे से काम कर रहे हैं। बाकी जो स्टूडेंट अपना होमवर्क नहीं भेज पा रहे हैं, भैया वो भी अपना होमवर्क भेजें, प्रॉपरली काम करें। 11th क्लास है, शुरुआत है आप लोगों की, अभी से लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। तो अभी हम अपने एरर के टॉपिक को ही थोड़ा सा अभी कंटिन्यू रखेंगे बेटा, क्योंकि एरर में कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी बची हुई हैं जो हम लोगों को सीखनी है, ठीक है। कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी बची हुई हैं जो हम लोगों को सीखनी है एरर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरर के हम अपने कंसेप्ट को। देखिए स्टूडेंट, एरर में अब हमारे पास में क्या क्या बचा हुआ है। नोट पॉइंट नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। नोट पॉइंट नंबर 1 ये है हमारे पास में, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। हमें सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड दिया गया है वो ये है, टी इज इक्वल टू 2π अंडर रूट एल अपॉन जी। आप लोग देख लीजिए बेटा ध्यान से, बिल्कुल अच्छे से इसे। ये हमें सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड गिवन दिया गया है, टी इज इक्वल टू 2π अंडर रूट एल अपॉन जी। इसके साथ साथ कुछ डेटा हम लोगों को और गिवन दिया है। क्या डेटा हमें गिवन दिया है जरा ध्यान से देखिए। हमें गिवन दिया है टाइम इज इक्वल टू 2 ± 0.1 सेकेंड, ग्रेविटी इज इक्वल टू 10 ± 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये डेटा हमें गिवन दिया है बेटा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कंपटीशन एग्जाम में भी और आपके स्कूल एग्जाम के अंदर भी। हमें बताना है फाइंड द एरर इन लेंथ, लेंथ के अंदर कितनी एरर होगी हमें ये बताना है। फॉर्मूला हमें गिवन दिया गया है, टाइम हमें गिवन दिया गया है, ग्रेविटी हमें गिवन दी गई है। ग्रेविटी, स्मॉल जी को हम ग्रेविटी बोलते हैं बेटा। हमें लेंथ के अंदर एरर बतानी है। तो सबसे पहला स्टेप, जो नंबर 1 स्टेप हम लोगों को सिखाया जाता है, हम उस स्टेप पर काम करना स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट स्टेप हमें ये कहा जाता है कि जिसके अंदर आपको एरर निकालनी है उस अकेले को आप एक तरफ रखो। यानी जैसे आपको लेंथ के अंदर एरर निकालनी है तो लेंथ को अकेले को एक तरफ रखो और बाकी सारी वैल्यूज़ को आप दूसरी तरफ लेकर जाओ। तो हमने बोथ साइड का स्क्वायर किया। जैसे ही हमने बोथ साइड का स्क्वायर किया, ये बन गया हमारे पास में टी स्क्वायर। 2 स्क्वायर बन चुका है 4, ये बन चुका है पाई स्क्वायर, और ये है हमारे पास में एल अपॉन जी। बेटा ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हर बच्चे को ये कंसेप्ट नहीं पता होता है कि हमें लेंथ में निकालनी है तो लेंथ की पावर 1 होनी चाहिए। अभी लेंथ की पावर 1 नहीं है, लेंथ के ऊपर अंडर रूट है, तो हमने बोथ साइड का स्क्वायर किया। अब जैसे ही मैं यहाँ से लेंथ की वैल्यू निकालूंगा तो लेंथ की वैल्यू निकल कर आएगी ग्रेविटी टी स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर। ये बन गई बेटा हमारे पास में लेंथ की वैल्यू। अब आप देखो ध्यान से, लेंथ की पावर 1 है या नहीं है? बिल्कुल लेंथ की पावर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। अकेला लेंथ एक साइड में है और लेंथ की पावर 1 है। 4 क्या है? कॉन्स्टेंट। पाई स्क्वायर क्या है? कॉन्स्टेंट। अच्छा, जब हम एरर एनालिसिस करते हैं तो कॉन्स्टेंट का तो कोई यूज़ होता ही नहीं है। क्या कांस्टेंट का कोई यूज़ होता है? नहीं, कांस्टेंट का कोई यूज़ नहीं होता है। तो हम एक काम करेंगे, हम सीधा यहाँ से एल को लिख देंगे बेटा, डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू, ग्रेविटी की पावर है 1, तो ये बनेगा मेरे पास में डेल्टा जी अपॉन जी प्लस टी की पावर है 2, ये बनेगा मेरे पास में 2 डेल्टा टी अपॉन टी। ये रिजल्ट स्टूडेंट्स मेरे पास में निकल कर आएगा। आइए मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करता हूँ।
डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू, बेटा डेल्टा जी क्या है, ग्रेविटी की वैल्यू हमारे पास में ये है, ये डेल्टा जी है और ये जी है, डेल्टा जी हो गया हमारे पास में 0.2 और जी हो गया है हमारे पास में 10 प्लस 2, डेल्टा टी कितना हो गया है हमारे पास में, डेल्टा टी हो गया है हमारे पास में 0.1 और टी हो गया है हमारे पास में 2, सिंपल हमने वैल्यू पुट करी, डेल्टा जी है 0.2 और जी है हमारे पास में 10, डेल्टा टी है हमारे पास में 0.1 और टी है हमारे पास में 2, बेटा ये वैल्यू निकल कर आई हमारे पास में डेल्टा एल अपॉन एल की, सो डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू, इसको इससे हमने कैंसिल आउट किया, ये बना हमारे पास में 0.2 अपॉन 10 और ये बना हमारे पास में 1.2 अपॉन 10 0.12, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एल अपॉन एल, सॉल्व करके ये आंसर निकल कर आ गया। लेकिन मुझे डेल्टा एल अपॉन एल नहीं चाहिए भाई, मुझे तो डेल्टा एल चाहिए, कितना होगा डेल्टा एल, कितना होने वाला है, सो डेल्टा एल इज इक्वल टू, ध्यान से बेटा बिल्कुल अच्छे से, डेल्टा एल इज इक्वल टू 0.12 मल्टीप्लाई बाई एल, एल की मल्टीप्लाई मैंने इधर कर दी। अब आप ये देखो कि L की वैल्यू मेरे पास में है क्या, क्या है मेरे पास में L की वैल्यू, भाई L की वैल्यू है मेरे पास में L इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर अपॉन 4π² बेटा, ये है मेरे पास में L की वैल्यू, ये मेरे पास में L की वैल्यू है। अब मुझे डेल्टा L निकालने के लिए L की ज़रूरत है, G की मेन वैल्यू कितनी है मेरे पास में 10, टाइम की मेन वैल्यू कितनी है 2, तो जी की मेन वैल्यू है मेरे पास में 10, टी की मेन वैल्यू कितनी है 2, 2 स्क्वायर करेंगे ये बन गया 4 अपॉन 4 और यहाँ है हमारे पास में पाई स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट, सो बेटा हमारे पास में वैल्यू बनी 10 अपॉन पाई स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ एल, ये हमारी एल की वैल्यू बन गई है मेरे प्यारे बच्चों। बस हमें एक काम करना है, L की वैल्यू को उठाकर यहाँ पुट करना है, तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा डेल्टा L। डेल्टा L का मतलब है लेंथ एरर इन लेंथ, ये जो डेल्टा L आपका निकल कर आएगा ना बेटा, इसका मतलब है एरर इन लेंथ और L का मतलब है ओरिजिनल लेंथ, यानी इस पूरी प्रॉब्लम में हमें फॉर्मूला दिया गया था, हमें ग्रेविटी की वैल्यू दी गई थी, हमें टाइम की वैल्यू दी गई थी, हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम किया, हमने लंबाई में एरर निकाल दी और हमने लंबाई की ओरिजिनल वैल्यू निकाल दी, ऐसे हम प्रॉब्लम को बनाने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने कल की क्लास में भी डिस्कस किए थे, उम्मीद करता हूं कि आपको प्रॉब्लम समझ आई होगी, कोई ज़्यादा परेशानी आप लोगों को यहाँ तक नहीं होगी। करिए जल्दी से नोट डाउन, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। फिज़िक्स में जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए बेटा, जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे तरीके से आप टॉपिक को समझ पाएंगे। चलिए वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं हम नोट पॉइंट नंबर 2 में। देखो बेटा नोट पॉइंट नंबर 2 क्या है हमारे पास में, हमें क्या गया कहा गया है ज़रा ध्यान से देखिएगा। इफ परसेंटेज एरर इन रेडियस ऑफ स्पेयर इज 2%, बेटा ध्यान से बिल्कुल, इफ परसेंटेज एरर इन रेडियस ऑफ स्पेयर इज 2%, फाइंड परसेंटेज एरर इन डायमीटर। आपको डायमीटर के अंदर परसेंटेज एरर बतानी है कितनी होगी। सबसे पहले आप ये देखिए कि क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन क्या दिया गया है, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ तो यही है, हम लोगों को गिवन क्या दिया है और हमें फाइंड आउट क्या करना है। भाई हमें गिवन दिया है रेडियस के अंदर परसेंटेज एरर,
ये हमें गिवन दिया है, डेल्टा आर परसेंटेज इज इक्वल टू 2%। ये बेटा हमें गिवन दिया है कि रेडियस के अंदर जो परसेंटेज एरर है वो हमारी 2% है। हमें बताना है कि डायमीटर में कितनी परसेंटेज एरर होगी। यार मुझे लगता है कि डायमीटर और रेडियस के बीच में रिलेशन एक 8th क्लास के स्टूडेंट को भी पता होगा, और आप लोग तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। डायमीटर इज इक्वल टू डबल ऑफ रेडियस, बताइए होता है या नहीं होता है? जो डायमीटर होता है वो रेडियस के दोगुने के बराबर होता है। डायमीटर और रेडियस के बीच में ये रिलेशन है। अब अगर डायमीटर रेडियस के दोगुने के बराबर है और मैं इसे अगर एरर में कन्वर्ट करना चाहूँ, अगर मैं इसे परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करता हूँ बेटा, तो डी को मैं क्या लिखूँगा? डी को मैं लिखूँगा डेल्टा डी परसेंटेज इज इक्वल टू 2। क्या है? 2 तो सिर्फ एक नंबर है, और जब एरर हम लोग लिखते हैं तो नंबर तो हम लिखते ही नहीं हैं, तो हमने 2 को यहाँ से हटा दिया और आर को हमने लिख दिया डेल्टा आर परसेंटेज। बेटा ध्यान से बिल्कुल, 2 मात्र एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा था। जब हम लोग एरर लिखते हैं तो 2 को हम लिखते ही नहीं हैं, हमने 2 को हटाकर आर को लिख दिया डेल्टा आर परसेंटेज। यानी डायमीटर के अंदर जो परसेंटेज एरर है वो रेडियस की परसेंटेज एरर के इक्वल है। अब आप ये बताइए, रेडियस की परसेंटेज एरर आपको दे कितनी रखी है बेटा? रेडियस की परसेंटेज एरर आपको कितनी दे रखी है? 2%। तो जितनी रेडियस की परसेंटेज एरर होगी बिल्कुल उतनी ही डायमीटर की परसेंटेज एरर होगी। सो करेक्ट आंसर इज 2%। यानी हमारी डायमीटर की जो परसेंटेज एरर होने वाली है वो भी 2% ही होने वाली है। डायमीटर की परसेंटेज एरर भी हमारी 2% ही होने वाली है बेटा। ऐसे हम प्रॉब्लम को बनाएंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आई हो बात और कोई प्रॉब्लम यहाँ तक ना हो। जल्दी से नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं बेटा, ठीक है? ये सारी बातें ना बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी बातें हैं जो आप लोगों को आनी ही चाहिए। इस बार हमें गिवन दिया गया है परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 9%। परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बेटा स्फीयर के वॉल्यूम के अंदर हमें परसेंटेज एरर गिवन दी गई है और वो है 9%। स्फीयर के वॉल्यूम की परसेंटेज एरर हमें गिवन दी है 9%। हमें बताना है फाइंड द परसेंटेज एरर इन रेडियस, रेडियस की परसेंटेज एरर कितनी होगी। वैसे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब कैसे करेंगे ये आप लोगों को देखना है। सबसे पहली बात देखिए, बात किसकी हो रही है? वॉल्यूम की बात हो रही है, और वॉल्यूम की एरर आपको दे रखी है 9%। सो हम लोग लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैपिटल वी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। हो गया बेटा, ये हमारे पास में वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है। हमें चाहिए क्या? हमें रेडियस चाहिए। तो जो हमें चाहिए वो एक तरफ होना चाहिए, बाकी सारी वैल्यूज एक तरफ होनी चाहिए। हमें रेडियस चाहिए तो हमने रेडियस को रखा एक तरफ। आर टू द पावर 3 इज इक्वल टू 3v अपॉन 4π। उसके बाद देखो बेटा, आर इज इक्वल टू 3 अपॉन 4π की होल पावर 1/3, और यहां आ गया v की पावर 1/3। यानी मैंने इधर से 3 हटाकर इधर क्यूब रूट लगा दिया है बेटा। देखो जरूरी चीज है, ध्यान रखिएगा, हमें रेडियस चाहिए ना, तो मैंने रेडियस को अकेले को एक तरफ रखा, बाकी सारी वैल्यूज को उस तरफ रखा। गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी, कभी वॉल्यूम को इधर रख के ही आप कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको रेडियस निकालनी है तो रेडियस को एक तरफ रखेंगे और बाकी सारी वैल्यूज को दूसरी तरफ रखेंगे, तब आप काम करेंगे। अब आप एरर का कंसेप्ट लगाएंगे इसके अंदर। क्या लगेगा एरर का कंसेप्ट, बताइए? आर को आप क्या लिखेंगे? बेटा आर को हम लिखेंगे डेल्टा आर परसेंटेज इज इक्वल टू, अब 3 क्या है? कॉन्स्टेंट।
4 पाई क्या है? कांस्टेंट। उसकी होल पावर 1 बाई थ्री क्या है? कांस्टेंट। यानी ये जो पूरी वैल्यू है हमारे पास में ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हम यहाँ से हटा सकते हैं। v की पावर है 1 बाय थ्री, 1 बाय थ्री आ जाएगा सामने, और v को हम लिख देंगे डेल्टा v परसेंटेज। अब आप देखो बेटा, परसेंटेज एरर इन रेडियस इज इक्वल टू 1 बाय थ्री। वॉल्यूम के अंदर जो परसेंटेज एरर हमें गिवन दे रखी है वो है 9%। ठीक है, इसको इससे हम डिवाइड करेंगे, सो परसेंटेज एरर इन रेडियस इज 3%। लीजिए बच्चों, हमारा आंसर निकल गया है ये कि रेडियस के अंदर जो परसेंटेज एरर होगी हमारी वो 3% के इक्वल होगी। अब मान लो इसी क्वेश्चन में आपको ये पूछा जाता, सरफेस एरिया की परसेंटेज एरर कितनी होगी? परसेंटेज एरर ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, अगर आपसे सरफेस एरिया की परसेंटेज एरर पूछी जाती फिर आप कैसे निकालते? भाई इसी क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम की परसेंटेज एरर दे रखी थी, हमने रेडियस की परसेंटेज एरर निकाल दी 3%। अब हमें इसी क्वेश्चन में पूछा गया है कि सरफेस एरिया की परसेंटेज एरर बताओ कितनी होगी। तो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है बेटा हमारे पास में ये 4πr², ये हमारे पास में स्फीयर का सरफेस एरिया है 4πr². अब देखो किसकी एरर बतानी है? एरिया की, यानी सरफेस एरिया की। एस की एरर बतानी है, एस की पावर बताइए 1 है या नहीं है? बिल्कुल एस की पावर 1 है, तो एस को हमने लिख दिया डेल्टा एस परसेंटेज इज इक्वल टू 4 और पाई, ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट है, हमने इन्हें यहाँ से हटा दिया। ये है हमारे पास में आर स्क्वायर, 2 को हमने आगे लिखा और r को हमने लिख दिया डेल्टा r परसेंटेज। परसेंटेज एरर इन सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा r परसेंटेज, 4 और पाई को मैंने यहां से हटा दिया। अब डेल्टा r हमने कितना निकाला? 3, यहां रखेंगे आंसर आ जाएगा बेटा हमारे पास में 6%। वॉल्यूम की परसेंटेज एरर है 9%, रेडियस की परसेंटेज एरर है 3%, और सरफेस एरिया की परसेंटेज एरर है 6%। ऐसे हम प्रॉब्लम्स को बनाएंगे बेटा। उम्मीद करते हैं कि समझ रहे होंगे, जल्दी से नोट करिए। अब हम डेरिवेशंस को सॉल्व करेंगे बेटा। ओके स्टूडेंट, तो बेटा अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कुछ डेरिवेशंस हम लोग डिस्कस करेंगे अलजेब्रा इन मल्टीप्लिकेशन, अलजेब्रा इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ एरर। ये है बेटा हमारे पास में टॉपिक, अलजेब्रा इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ एरर। कुल मिलाकर मैं आपको बताता हूं कि कहने का मतलब क्या है। नंबर वन पॉइंट, ये डेरिवेशन आपके स्कूल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक्स इज इक्वल टू है मेरे पास में ए बी, एक्स इक्वल टू है मेरे पास में ए इंटू बी। अब देखो मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे करना है प्रूव दैट x की पावर 1 है। x को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा x अपॉन x, a को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा a अपॉन a, और b को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा b अपॉन b। लो बेटा ये कंडीशन है मेरे पास में, मेरे पास में गिवन ये है और प्रूफ मुझे ये करना है। ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आपके स्कूल एग्जाम में आएगा, जो आपके स्कूल लेवल पर एग्जाम होंगे उनमें इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, x इज इक्वल टू ए बी और आपको ये प्रूव करना है। आइए कैसे प्रूव करेंगे, स्टेप नंबर 1 क्या होने वाला है बेटा हमारे पास में, आप जरा देखो x इज इक्वल टू है हमारे पास में ए बी।
आपको याद रखना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखेगा बेटा। यहां x को आप लिखने वाले हैं x प्लस माइनस डेल्टा x, ध्यान रखेगा। x को आप लिखेंगे x प्लस माइनस डेल्टा x, ये आप x को लिखेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास में a, a को आप लिखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा a, और b को आप लिखेंगे b प्लस माइनस डेल्टा b। ये डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप है हमारे पास में। जब भी ऐसी डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए आएगी, आप x की जगह ये वाली वैल्यू लिखेंगे, a की जगह ये वाली वैल्यू लिखेंगे और b की जगह ये वाली वैल्यू लिखेंगे। ये बिल्कुल पहला स्टेप है बेटा हमारे पास में। चाहे कैसे भी डेरिवेशन क्यों ना आए, हमेशा यही कंसेप्ट आप यूज़ करने वाले हैं। अब आप देखो बेटा आगे, ठीक है। देखो यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है आपके पास में, यहाँ से कॉमन आ सकता है x। अगर मैंने यहाँ से x को कॉमन लिया, ध्यान से बिल्कुल, तो मेरे पास में यहाँ बचा 1, यहाँ बचा प्लस माइनस। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, यहाँ से तो x को कॉमन लेकर 1 बच गया। अगर मैं यहाँ x कॉमन लेता हूँ तो यहाँ खाली डेल्टा नहीं बचेगा, क्योंकि ये जो डेल्टा और x है ना, ये आपस में जुड़े हुए हैं। कभी आप सोचो कि x को कॉमन ले लेंगे तो सिर्फ डेल्टा बच जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। x को कॉमन लेने से x इसके अपॉन में चला जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ से x को कॉमन लेते हैं तो x इसके अपॉन में चला जाएगा। उसके बाद देखो बेटा, हमने यहाँ से कॉमन लिया a, जैसे ही हमने a को कॉमन लिया, यहाँ बचा हमारे पास में 1 प्लस माइनस। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर a को कॉमन लेने से a इसके अपॉन में चला गया, डेल्टा a अपॉन a। यहाँ से हमने कॉमन लिया b, ये बचा हमारे पास में 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। ये आ गया रिजल्ट हमारे पास में। x की वैल्यू है ए बी के बराबर, हमने x को लिख दिया है ये, a को लिखा है ये और b को लिखा है ये। यहाँ से x को कॉमन लिया, यहाँ से a को कॉमन लिया, यहाँ से b को कॉमन लिया। अब आप एक बात बताइए बेटा, ध्यान से जरा, x की वैल्यू किसके इक्वल है? x की वैल्यू इक्वल है ए बी के। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग इस x की जगह लिख सकते हैं ए बी। अंदर बचा हमारे पास में 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू a 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। उसके बाद में b 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। बात समझ रहे हो बेटा, x की वैल्यू हमारी ए बी के इक्वल है, तो हमने इस x की जगह लिख दिया है ए बी, ठीक है। अब आप देखो, a से ये a कैंसिल आउट, b से ये b कैंसिल आउट, क्या बचा हमारे पास में? यहाँ बचा हमारे पास में 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, यहाँ क्या बचा हमारे पास में 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और यहाँ क्या बचा हमारे पास में 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। ये रिजल्ट हमारे पास में बच चुका है बेटा। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट बनेगा अपने पास में। हम लोग आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमारे पास में बनेगा बेटा। अब आप देखो, यहाँ हमारे पास में लिखा हुआ है 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू, जब इन दोनों ब्रैकेट की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा भाई? 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो यही आ गया, प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये आ गया, प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, देखो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी 1, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करी वो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करी वो वैल्यू आ गई, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू में, ठीक है। तो हमारे पास में आएगा डेल्टा a अपॉन a मल्टीप्लाई बाय डेल्टा b अपॉन b। ये आया बेटा हमारे पास में। हमने 1 की मल्टीप्लाई 1 में करी, 1 की मल्टीप्लाई यहाँ करी, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करी और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करी। अब आप देखिए, ये 1 से ये 1 कैंसिल आउट,
और ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ना बेटा, ये वाली वैल्यू जो आप लोगों को दिख रही है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये वाली जो वैल्यू आपको दिख रही है, ये डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। डेल्टा ए का मतलब होता है स्मॉल वैल्यू, डेल्टा बी का मतलब भी है स्मॉल वैल्यू, और जब हम स्मॉल वैल्यू की मल्टीप्लाई स्मॉल वैल्यू में करते हैं तब आती है वेरी स्मॉल वैल्यू। यानी ये वैल्यू मल्टीप्लाई करके इतनी छोटी आएगी कि हम इसे कर देंगे नेगलेक्ट। हमने इसे यहाँ से नेगलेक्ट कर दिया है। क्यों किया है नेगलेक्ट? बिकॉज डेल्टा ए बहुत छोटी वैल्यू है, डेल्टा बी ये भी बहुत छोटी वैल्यू है, और जब आप स्मॉल वैल्यू की मल्टीप्लाई स्मॉल वैल्यू में करते हैं तब आती है वेरी स्मॉल वैल्यू, बहुत छोटी वैल्यू, और उस बहुत छोटी वैल्यू को आप कर सकते हैं नेगलेक्ट। इसीलिए मैंने इस वैल्यू को यहाँ से कर दिया है बेटा नेगलेक्ट। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास में? यहाँ बचा हमारे पास में प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, यहाँ बचा हमारे पास में प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, यहाँ बचा हमारे पास में प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ये रिजल्ट हमारे पास में बच गया, वन से वन कैंसिल आउट हो गया, और इस वैल्यू को हमने नेगलेक्ट कर दिया वेरी स्मॉल वैल्यू मानकर, वेरी स्मॉल वैल्यू, वेरी स्मॉल वैल्यू मानकर हमने इसे नेगलेक्ट कर दिया। अब हमें चाहिए होती है पॉजिटिव एरर, हमें नेगेटिव एरर नहीं चाहिए, हमें पॉजिटिव एरर चाहिए, और एरर की बड़ी से बड़ी वैल्यू चाहिए। तो हम लिखेंगे फोर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरर, एरर की बड़ी से बड़ी वैल्यू निकालने के लिए, फोर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरर टेकिंग पॉजिटिव ऑन बोथ साइड, टेकिंग पॉजिटिव ऑन बोथ साइड। हमने दोनों तरफ पॉजिटिव ले लिया है बेटा, यहाँ पर भी पॉजिटिव ले लिया तो ये बन गया डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, यहाँ पर भी पॉजिटिव लिया तो ये बना डेल्टा ए अपॉन ए, यहाँ पर भी पॉजिटिव लिया तो ये बना डेल्टा बी अपॉन बी, और फाइनली हमारा यही रिजल्ट आ गया है जो हम लोगों को चाहिए था, जो हमें प्रूव करना था वही हमारा रिजल्ट आ गया। ये एक जैसी कई सारी डेरिवेशन है हमारे पास में। अगर पहली डेरिवेशन में आपका कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर ना हुआ हो तो घबराने की कोई बात नहीं है, अभी बहुत सारी डेरिवेशंस आएंगी, बहुत अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप लोग कर लीजिए जल्दी से नोट डाउन। ओके बेटा, तो वीडियो को पॉज करके अपना आराम से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग सेकंड रिजल्ट में। देखो दूसरा जो रिजल्ट है हमारे पास में वो है ये x इज इक्वल टू ए अपॉन बी। लास्ट कंडीशन में था x इज इक्वल टू ए इंटू बी, यहां पर है हमारे पास में x इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ओके, हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये हमें प्रूव करना है बेटा, ये हमें गिवन है और ये हमें प्रूव करना है। क्या तो क्वेश्चन हमारे स्कूल एग्जाम में बिल्कुल वैसे आएगा जैसे मैंने आपको अभी बताया, या क्वेश्चन हम लोगों से ऐसे पूछा जाएगा जैसे मैंने आपके सामने लिखा। अब करते हैं डेरिवेशन स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहने वाला है बेटा? फर्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा, हम x को लिखेंगे, ये x दिख रहा है ना आपको, ये x को हम लिखेंगे x प्लस माइनस डेल्टा x। ओके, ये जो a आपको दिख रहा है इस a को हम लिखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा a, और ये जो b आपको दिख रहा है इस b को हम लिखेंगे b प्लस माइनस डेल्टा b। बिल्कुल ध्यान से देखिए अच्छे तरीके से, x को हमने लिखा x प्लस माइनस डेल्टा x, a को हमने लिखा a प्लस माइनस डेल्टा a, और b को हमने लिखा b प्लस माइनस डेल्टा b। बढ़े आगे,
अब देखो पहला स्टेप हमारा यही है, चाहे कैसी भी डेरिवेशन हमारी क्यों ना आ जाए बेटा, हमेशा फर्स्ट स्टेप हम लोगों को यही अप्लाई करना है, ऑलवेज हमेशा फर्स्ट स्टेप हमें यही रखना है, ठीक है। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे x को बाहर, जब यहाँ से हम x को बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा हमारे पास में 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। देखिए ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड से हमने x को कॉमन ले लिया है बाहर, यहाँ से ऊपर से हम कॉमन लेंगे a को बाहर, यहाँ बचा हमारे पास में 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, यहाँ से हमने ले लिया है b को बाहर, अंदर बचा हमारे पास में 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है भैया, x की जगह ये वाली वैल्यू लिखनी है, a की जगह ये वाली वैल्यू, b की जगह ये वाली वैल्यू, चाहे कैसी भी डेरिवेशन क्यों ना आ जाए, ये तो बिल्कुल रटे रटाए स्टेप्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं, ठीक है। देखो इसके बाद अब हम x को क्या लिख सकते हैं, हम x को देखो सबसे पहले x हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, x हमारे पास में लिखा हुआ है a अपॉन b, यानी इस x की जगह हम लिख सकते हैं a अपॉन b, यहाँ बचेगा मेरे पास में 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, ये क्या है भाई हमारे पास में a अपॉन b। बेटा बिल्कुल ध्यान से देखिएगा हमारी बात, बिल्कुल गौर से सुनिएगा, ये ब्रैकेट क्या है 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस डेरिवेशन की ये है कि अगर ये नीचे वाला ब्रैकेट, अभी इस ब्रैकेट की पावर 1 है, अगर ये नीचे वाला ब्रैकेट यहाँ से ऊपर गया तो इसकी जो पावर है बेटा हमारी वो 1 से माइनस 1 हो जाएगी। इतनी बात तो मेरे हिसाब से सभी लोग जानते होंगे, ज़्यादा परेशानी इतनी बात में किसी को नहीं होगी। हमने सबसे पहले x की जगह ये वाली वैल्यू लिखी, a की जगह ये वाली वैल्यू लिखी, b की जगह ये वाली वैल्यू लिखी, यहाँ से x कॉमन, यहाँ से a कॉमन, यहाँ से b कॉमन, x की जगह हम लोगों ने लिख दिया a अपॉन b, फिर जो नीचे वाला ब्रैकेट है उसे हम ले गए ऊपर, पहले पावर 1 थी अब हो गई पावर माइनस 1, a अपॉन b से a अपॉन b हो गया बेटा हमारा कैंसिल आउट। अब देखो हमारे पास में बचता क्या है, हमारे पास में बचता है 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, यहाँ हमारे पास में बचता है 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। अब देखो बेटा मैथमेटिक्स में एक चैप्टर आएगा आपके सामने, अभी जब आप लोग अपना मैथमेटिक्स आगे बढ़ाओगे, बायो वालों को मैं अभी समझा देता हूँ, मैथ्स वाले भी थोड़ा समझने की कोशिश करें, एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है बाइनोमियल एक्सपेंशन, और बाइनोमियल एक्सपेंशन के रूल के मुताबिक ये जो पावर आपको यहाँ दिख रही है माइनस वन, इसे यहाँ से उठाकर आप यहाँ ले जा सकते हैं। अगर कोई ब्रैकेट आपके पास में ऐसा बन रहा है, पहला नंबर तो है 1, बीच में प्लस है माइनस है या दोनों है कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा नंबर कुछ भी है, तो इसकी पावर को यहाँ से उठाकर आप यहाँ ले जा सकते हैं। इस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन, आगे भी इसका यूज़ आएगा, यहाँ भी इसका यूज़ है, तो आप ध्यान रखें अच्छे तरीके से, जब बाइनोमियल अप्लाई करेंगे तो 1 तो 1 ही रहेगा, ये माइनस यहाँ से यहाँ जाएगा, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में होगी माइनस, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे प्लस, और ये आएगा बेटा हमारे पास में डेल्टा बी अपॉन बी, ये बन गई मेरे पास में कंडीशन। ये ब्रैकेट तो एज इट इज़, ये ब्रैकेट एज इट इज़, ये प्लस माइनस से माइनस प्लस हो गया क्योंकि इसकी पावर यहाँ से यहाँ चली गई। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, इन ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करते हैं बेटा अंदर। इधर क्या है हमारे पास में ज़रा देखो, इधर है हमारे पास में 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 1 में, ये आगे 1, फिर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, समझ रहे हो बेटा, इन दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर प्लस माइनस
डेल्टा ए अपॉन ए, उसके बाद माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। कैसे, जरा समझो। प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे माइनस, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे माइनस, दोनों माइनस आ रहे हैं तो एक माइनस हमने वहां लिख दिया और इसकी मल्टीप्लाई हमने यहां कर दी। फिर मैं वही बात कहूंगा बेटा कि डेल्टा ए है स्मॉल वैल्यू, डेल्टा ए स्मॉल वैल्यू है, डेल्टा बी भी स्मॉल वैल्यू है, तो ये बनेगी हमारे पास में वेरी स्मॉल वैल्यू, वेरी स्मॉल वैल्यू, और इस वैल्यू को हम वेरी स्मॉल वैल्यू मानकर करेंगे नेगलेक्ट। ये वन से ये वन हमारा कैंसिल आउट हो गया और यहां हम लिखेंगे फोर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरर, फोर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरर, एरर की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम यहां भी पॉजिटिव लेंगे प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, हम यहां भी पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव कहीं भी नहीं लेना है आपको, दोनों तरफ आपको पॉजिटिव लेना है बेटा, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया जो हम लोगों को प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया एरर की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमने कंडीशन बना दी। तो उम्मीद करता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की जो दो डेरिवेशन मैंने आपको बताई हैं कुछ ना कुछ तुम्हारे दिमाग में ज़रूर घुसा होगा। अभी दो डेरिवेशन और बची हुई हैं इसके अंदर, उन दो डेरिवेशन करने के बाद तो आपको कोई डाउट रहेगा ही नहीं, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल अच्छे से। करिए जल्दी से नोट डाउन। ठीक है बेटा, अब जितने क्वेश्चंस आपको बताए हैं मैंने और ये जो दो डेरिवेशंस बताई हैं, इन्हें लिख लिख कर बहुत अच्छे से आप लोग इनकी प्रैक्टिस करें, तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी बढ़िया करके। अब आते हैं हम डेरिवेशन नंबर तीन पर। ये सभी डेरिवेशन आपके स्कूल एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ए टू दी पावर एम एंड बी टू दी पावर एन, बेटा ये है हमारे पास में डेरिवेशन। ए टू दी पावर एम बी टू दी पावर एन, क्वेश्चन ऐसे आएगा, हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू एम डेल्टा ए अपॉन ए प्लस एन डेल्टा बी अपॉन बी। ये हमें प्रूव करना है बेटा, ये हमें गिवन दिया है, ये तो हमें दिया है गिवन, और ये हमें करना है प्रूफ। मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस डेरिवेशन को आधे से ज़्यादा अपने आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कैसे करेंगे। x की जगह हम लिखेंगे x प्लस माइनस डेल्टा x, a को हम लिखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा a की होल पावर m, और b को हम लिखेंगे b प्लस माइनस डेल्टा b की होल पावर n। यहाँ से कॉमन आएगा हमारे पास में x, यहाँ बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, यहाँ से कॉमन आएगा a। देखो बेटा, जब a ब्रैकेट से बाहर कॉमन आएगा ना, तो ये जो a की पावर m है ये यहाँ आ जाएगी हमारे पास में, और यहाँ बचेगा हमारे पास में 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a की होल पावर m। जब मैंने यहाँ से a को कॉमन लिया तो चूंकि पूरे ब्रैकेट की पावर m है तो a की पावर m बाहर आया मेरे पास में और ये बचा अंदर। यहाँ से b को कॉमन लेंगे तो पूरे ब्रैकेट की पावर n है, तो ये बन जाएगा b की पावर n 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b की होल पावर n। ये कंडीशन हमारे पास में बन गई। अब बताइए कि इस x की जगह हम क्या लिख सकते हैं। इस x की जगह हम लिख सकते हैं ये a टू दी पावर m b टू दी पावर n, यहाँ बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू a टू दी पावर m b टू दी पावर n। a टू दी पावर m b टू दी पावर n दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा।
मैंने जस्ट अभी आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन बताया बेटा, क्या होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन के मुताबिक हम पावर को यहाँ से उठा के यहाँ ला सकते हैं, हम पावर को यहाँ से उठाकर यहाँ ला सकते हैं। अगर हम पावर को यहाँ से यहाँ लेकर आए तो ये बन गया 1 ± m डेल्टा a अपॉन a, और ये बना हमारे पास में 1 ± n डेल्टा b अपॉन b। बाइनोमियल अप्लाई करने के बाद में ये रिजल्ट आ गया हमारे पास में। चलिए अब हम करते हैं अंदर मल्टीप्लाई, 1 ± डेल्टा x अपॉन x। 1 की मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे, 1 प्लस माइनस n डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस m डेल्टा a अपॉन a। और जब इसकी मल्टीप्लाई हम इस वैल्यू में करेंगे तो ये स्मॉल वैल्यू है, ये भी स्मॉल वैल्यू है। मैं इस टर्म को यहाँ लिख ही नहीं रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि नेगलेक्ट कर दिया है मैंने इस टर्म को यहाँ से, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी, उतनी छोटी वैल्यू को लिखना सही नहीं है फिजिक्स के अंदर, हमने हटा दिया उसे। ये वन से ये वन कैंसिल आउट हो गया। हमें चाहिए पॉजिटिव एरर, तो यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव। तो फाइनली हमारे पास में आंसर बन चुका है बेटा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स एम डेल्टा ए अपॉन ए प्लस एन डेल्टा बी अपॉन बी। लीजिए साहब, फाइनली ये हमारे पास में रिजल्ट बन चुका है और ये हमने डेरिवेशन को ड्राइव कर दिया है। कुछ इस तरीके से हम प्रॉब्लम को बनाएंगे। उम्मीद है कि ये तीन डेरिवेशंस आप लोगों को समझ आई हो बेटा। आज जो मैंने एरर्स के ऊपर आप लोगों को प्रॉब्लम कराई हैं, एरर्स के ऊपर जो मैंने क्वेश्चंस आपको कराए हैं, तीन डेरिवेशन मैंने आपको कराई हैं, ये सभी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुई हो, किसी में आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। कल की जो क्लास हमारी रहेगी वो एरर की हमारी लास्ट क्लास रहेगी बेटा, क्योंकि कल की क्लास में एरर के ऊपर जितनी भी बढ़िया प्रॉब्लम बनती हैं, बहुत अपर ग्रेड की जो प्रॉब्लम बनती हैं, वो हम सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद एरर का टॉपिक हमारा हो जाएगा फिनिश, फिर आप एरर का क्वेश्चन कहीं से भी ट्राई कर सकते हैं, NCERT, एग्जाम्पलर, SC वर्मा, BM शर्मा, प्रीवियस ईयर, IIT, कहीं से भी ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप हर तरीके के क्वेश्चन को बनाने के लायक बन जाओगे बेटा, ठीक है। अब मैं एक हल्का सा काम आप लोगों को दे रहा हूँ, आप ट्राई करिएगा कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। a^m b^n ये है, प्रूव करना है आपको डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू m डेल्टा a अपॉन a प्लस n डेल्टा b अपॉन b। ये प्रूव करना है बेटा आप लोगों को, ठीक है। प्रूव दैट, ट्राई करिएगा आप इसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बाकी बात करेंगे हम लोग आपसे कल की क्लास में।